मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मैजिक वाले ने मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश की और मासूम को थोड़ी ही दूर जाने पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। इंदौर के विजयनगर इलाके में मंगलवार रात एक मासूम बच्ची एक वैश्य के हाथों अपहरण होने से बच गई। बच्ची किशोर बचाने पर उसके मामा और दूसरे रिश्तेदार जाग गए थे, जिन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस ने घेराबंदी कर मैजिक वाले को पकड़ लिया। मैजिक वाले ने पूछताछ में बताया कि वह गलत नियत से बच्ची को उठाने आया था। बुधवार शाम टीआई विजयनगर तहजीब काजी ने बताया, पकड़े गए आरोपी का नाम संतोष है, जो गांधीनगर का रहने वाला है। वह मैजिक चलाता है। वह बच्ची को मुंह दबाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी बच्ची ने शोर मचवा दिया। उसके घर वाले जाग गए तो बदमाश वहां से भागा। बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर मैजिक वाले को पकड़ लिया है। गौरतलब है कि शहर में पहले भी मासूम बच्चियों का अपहरण और उसके साथ रेप के बाद हत्या जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। पकड़ा गया है कोई? ये रात्रि की बात है, रात्रि के समय फोन आया था एक बीट वालों के पास और थाने में कि कोई एक बच्ची को उठा के भाग रहा है। पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचे वहां पर, तो पता चला कि एक युवक जो मैजिक चलाता है, मैजिक चलाने वाला रात में 2:30 से 3 के बीच में एक झोपड़पट्टी बनी थी, उस झोपड़पट्टी में पर्दा हटाकर अंदर गया। अंदर एक 7-8 साल की बच्ची सो रही थी, उसका मुंह दबा के उसको बाहर लाया और ले जाने लगा, बाहर गाड़ी में बिठाने लगा। इतने में लड़की जाग गई तो चीखी, चीखने पे उसके पड़ोसी और उसका जो मामा था वो जगा, उनने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं माना। इन लोगों के पास में पुलिस के नंबर थे, उनने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और उसको थोड़ी दूरी जा पाया था पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद लड़की भी उनसे वो बच्ची जो बरामद की गई, और कोई बड़ी घटना इसी प्रकार होने से बच गई, क्योंकि अगर वो नशे में था, अगर वो उसको ले जाके उसके साथ कोई गलत हरकत कर सकता था। ये नशे में तो था सर, क्या इसके कुछ प्रीवियस क्रिमिनल कर रहे हैं? अभी हम यही चेक कर रहे हैं कि इसका कोई रिकॉर्ड है या इसका कारण क्या। इसका पीआर लिया एक दिन का, अब पीआर में पूछताछ करेंगे इसने इस प्रकार की हरकत क्यों की। आरोपी कौन है सर? आरोपी संतोष करके है, ये जो गांधीनगर में रहता है, उसके पहले ये राव रंगवासा में रहता था, अब वहाँ से इधर आके रहने लगा है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई इसमें पता चला है कि वो मैजिक चलाता, मैजिक चलाने में सवारी छोड़ने आया था, उसकी उस अवधि में इधर चला गया ऐसा बता रहा था। जवानों की कोई सूझबूझ तो पकड़ा गया कभी? हाँ, जवानों ने बहुत ही सूझबूझ का काम किया। मतलब एक तो ये अच्छा काम किया था उन लोगों ने कि अपने नंबर उस एरिया में सारे चौकीदारों को, बिल्डिंग में जो काम करते हैं बाउंसर्स वगैरह, उनको दे रखे थे, तो रात में 2:30-3 बजे भी उनका नंबर मिल गया और उनने फ़ोन भी तुरंत उठा लिया और घटना पर पहुँच भी गए, त्वरित कार्रवाई की गई है उनके द्वारा।